नमस्कार, लोक आवाज के तमाम दर्शकों का स्वागत है लोक आवाज पर और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं दीघा के गेट नंबर 83 घाट पर, जहां सामने आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव है और इधर घाट पर काफी तैयारियां हो रही है क्योंकि आज नहाय खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं छठ घाट की, तो वो देखने के लिए हम यहां पहुंचे हैं घाटों का जायजा लेने। ये 88 नंबर घाट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, मिट्टी भराई का काम चल रहा है ताकि छठ व्रतियों को असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्य चल रहा है। घाट पे छठ पर्व की पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। चारों ओर साफ सफाई का, लाइटिंग का, हर तरह का काम किया जाता है। निरीक्षण कक्ष में सभी मौजूद हैं और लोगों को जो जरूरी अनाउंसमेंट है वो कर रहे हैं। हर जगह लोग मौजूद हैं को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पूरा लाइटिंग, रास्ता, ब्रिकेटिंग सब पूरा व्यवस्था है। कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा घाट को हम लोग लाल कपड़ा से ब्रिकेटिंग कर दिए हैं ताकि उधर कोई आदमी ना जाए, और पानी में भी ब्रिकेटिंग कर दिया गया है और जाल लगा दिए हैं, पूरा 3 लेयर बल्ला बांध दिए हैं ताकि नदी के उस तरफ आदमी ना जाए। ये सब सुरक्षित है, घाट भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। दलदल हो रहा है मैडम, इसलिए कि पानी कुछ बाद में आया है, इस वजह से है। दलदल नहीं है, थोड़ा सा कीचड़ है, उससे कोई परेशानी यहाँ नहीं। घाट पर ये सफाई कर रहे हैं, सब जंगल फंगल जितना है कचरा फचरा वो सब साफ कर रहे हैं। साफ सफाई की क्या स्थिति है अभी यहाँ की? यहाँ तो ठीक है, साफ सब सफाई हो रहा है, ठीक है। कितना देर काम करते हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ 2 बजे से 10 बजे तक। कब तक चलेगा काम यहाँ पर? ना कब तक चलेगा? परसों से तो छठ का शाम वाला शुरू होगा, तो काम कब तक साफ सफाई कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का? हो जाएगा 10-11 बजे हो जाएगा। साफ सफाई हो गई पूरी? पूरी हो गई। अब यहाँ पे घाट पे छठ करने लायक हो गया है? पूरा गंदगी वगैरह कुछ नहीं है? नहीं है गंदगी। पानी का क्या स्थिति है यहाँ पे? पानी पर गड्ढा है आगे बढ़ कर। कितना देर काम करते हैं आप लोग यहाँ पे? 10 बजे तक करते हैं। रात तक? हाँ। तो रात तक पानी में काम करने में परेशानी नहीं होती है? नहीं है, बहुत परेशानी। क्या परेशानी आती है आप लोगों को यहाँ पे? पानी में बराबर करते हैं तो मतलब रात का अंधेरा होने के बाद लाइट में काम करते हैं? हाँ, लाइट जलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दीघा के 93 नंबर घाट पर, जहां आप देख सकते हैं पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो अपने दलबल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच चुके हैं और पूरे घाट का निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। पर छठ को लेकर के क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा हम लोगों ने प्राप्त दी है सभी घाटों पर, जहाँ जहाँ पर भी छठ हो रहा है। जो खतरनाक घाट नहीं वहाँ पर हम लोगों के पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी महिला और पुरुष आरक्षी डिप्यूटेड रहेंगे। वॉच टावर्स बनाए गए हैं नज़र रखने के लिए। प्रत्येक जो छठ घाट है वहाँ पे एक सहायक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिसमें हम लोगों का CCTV कैमराज हैं और उसकी मॉनिटरिंग के लिए उसी नियंत्रण कक्ष पर हम लोगों का फोर्स रहेगा। हर एक घाट के लिए अलग से पार्किंग जो पड़ाव है वो दिया गया है, जो कि हम लोगों ने समाचार पत्रों में प्रकाशित भी करवाया है, और वहाँ पे यातायात प्रबंधन के लिए ट्रैफिक पुलिस रहेगा और प्रत्येक 3 घाटों के ऊपर जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है हम लोगों की क्वार्टीज रहेंगी। सर, पे हर साल महेंद्रू कलेक्ट्रेट घाट पे खुला रहता है, तो इस बार नहीं बंद है, क्या कारण? इस बार ही बंद है क्योंकि वहाँ पे जो गंगा जल स्तर है बहुत ज़्यादा है और घाट निकला नहीं है, और जहाँ जहाँ पे निकला है बहुत दलदली ज़मीन है, वो छठव्रतियों के लिए वो सेफ नहीं है। थैंक यू सर। घाट पे मौजूद हैं हम और इस बार प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी मुस्तैद है। इस वक्त NDRF की टीम मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या कुछ योगदान होता है छठ पर्व में आप लोगों का? सबका आज के दिन से हमारी सुबह से तैनाती है, आज नहाए खाए का दिन है, सुबह से हम लोग स्नान कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो और लोगों को कोई नुकसान न हो। उसके लिए हम 24 घंटा जिस दूसरा अर्घ पड़ता है तब तक हम यहाँ पर
उसके बाद तक हम जब तक इंश्योर नहीं होते हैं कि कोई ऐसी घटना ना घटी हो, चाहे जाने में अनजाने में, हम उसको इंश्योर करने के बाद ही इस जगह को छोड़ते हैं। अभी हमारी टीम बाहर जा रखी है, हम टर्न वाइज उनको चेंज करते हैं और 24 घंटा इसमें हम अपने योगदान दे रहे हैं, ताकि जो भी यहाँ की जनता हो, पब्लिक हो, उनका किसी तरह का कोई डर ना हो, कोई नुकसान ना हो, हम इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कल के बाद परसों संध्या अर्घ्य पड़ेगा, हाँ। तो उस दौरान काफी भीड़ होगी, हाँ। तो उस टाइम आप लोगों की पूरी टीम यहाँ मौजूद होगी? हाँ, पूरी टीम, आज भी हमारी पूरी टीम ही लगी हुई है, हमारा लोकेशन दिया हुआ है, इलाका बांटा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम जो है सो सभी घाटों पे मौजूद है? हाँ, लगभग, अगर नहीं भी है तो हम जैसे टीम वाइज बोटे भेज देते हैं और उसको हम कवर करने के पूरा प्रयास करते हैं। अध्यक्ष यहाँ का हूँ। तो इस बार छठ को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है घाटों पर? छठ पे आप देख रहे हैं कि हर जगह से बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ इस घाट पे है। जहाँ खतरनाक है वहाँ लाल कपड़ा से घेर दिया गया है, बाकी जहाँ छठ व्रत करना है वहाँ पे रास्ता वगैरह सब करीब करीब तैयार हो चुका है, लाइटिंग का व्यवस्था है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, जहाँ जो प्रॉब्लम होगा उसको तुरंत निदान कर दिया जाएगा। लोक आवाज की टीम के साथ हमने तमाम घाटों का जायजा लिया यहाँ पे देखा स्थित, और यहाँ पे देखने को मिला कि काफ़ी सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पे सिटी एसपी से भी हमने बात की, एनडीआरएफ की टीम से बात की, एसएसपी से बात की, तमाम लोगों से बात की, सफाई कर्मियों से, और काफ़ी सारे लोगों से बात करने के बाद पता चला कि छठ पर्व को लेकर काफ़ी सारी सुरक्षा व्यवस्था है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। और आप जो ये देख रहे हैं ये रेड कलर का जो बैरिकेडिंग किया हुआ है, यहाँ पे छठ पर्व इस बार नहीं हो रही है, और जिन जिन घाटों पर छठ पर्व नहीं हो रही है उस जगह पे रेड कलर से बैरिकेडिंग किया हुआ है, ताकि कोई भी वहाँ पे नहीं जाए, छठ पर्व ना हो। और कई घाटों पे इस बार छठ नहीं हो रहा है, जिन जिन घाटों पर छठ हो रहा है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लोक आवाज़ के साथ। कैमरामैन विवेक के साथ मैं अनु मिश्रा, लोक आवाज़ पटना।